दूसरे जहां सब लोग नए साल की शुरुआत करने से पहले पहले ही अपने रिश्ते को मजबूत कर लेते हैं और कई तो अपने प्यार का इजहार भी करते हैं और एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं, तो वहीं हमारी टीवी इंडस्ट्री में कुछ सितारे ऐसे हैं जिन्होंने आने वाले नए साल से पहले एक दूसरे से रिश्ता तोड़ दिया और हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो गए। और इसलिए आज के हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन से सितारे हैं जिनके बीच साल 2022 में रिश्ते में दरार आ चुकी है और हो चुके हैं अपने पार्टनर से अलग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं। नंबर एक, हिना खान। सबसे पहले बात करते हैं टीवी इंडस्ट्री में संस्कारी बहू अक्षरा के नाम से अपनी पहचान बनाने वाली अभिनेत्री हिना खान की, जिन्होंने कुछ समय पहले ही अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ ऐसा शेयर किया था जिससे सभी कयास लगा रहे थे कि हिना खान का ब्रेकअप उनके बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल से फाइनल हो चुका है। लेकिन अब खबरें आ रही है कि हिना खान अब रॉकी जायसवाल से ब्रेकअप लेकर अलग हो चुकी है और सिंगल लाइफ जी रही है। नंबर दो, चारू आसोपा। टीवी इंडस्ट्री की टैलेंटेड अभिनेत्री चारू आसोपा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, जो कि अपने हस्बैंड राजीव सेन से डायवोर्स को लेकर हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं, जहां फिलहाल इन दोनों को कुछ समय दिया गया है कि शायद ये एक दूसरे को टाइम दे और एक हो सकें, पर फिर भी इन दोनों के झगड़े खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे और दोनों ही एक दूसरे से अब पूरी तरह से अलग होना चाहते हैं, जो कि बहुत जल्द डाइवोर्स लेकर भी हो जाएंगे। नंबर तीन, करण मेहरा। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नैतिक के किरदार से आज पूरे देश में अपनी पहचान बनाने वाले अभिनेता करण मेहरा की बात करें तो इनके डिवोर्स की खबरें तो किसी से भी नहीं छुपी। जी हाँ, जैसा कि आप जानते ही हैं, निशा रावल ने करण मेहरा पर मारपीट का बहुत बड़ा इल्जाम लगाया था, जिसके बाद से ये दोनों एक दूसरे से डिवोर्स लेकर अलग हो चुके हैं। नंबर चार, राकेश बापट। राकेश बापट जो कि बिग बॉस ओटीटी के दौरान इतने ज्यादा फेमस हुए थे, वो भी सिर्फ अपनी लव लाइफ को लेकर। जी हाँ, शमिता शेट्टी के साथ इनके लव अफेयर की चर्चाएं आग की तरह फैल रही थी, लेकिन जैसे ही ये दोनों बिग बॉस ओटीटी से बाहर निकले, दोनों का ब्रेकअप हो गया और इस बात की पुष्टि खुद शमिता शेट्टी ने की थी। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन सितारों को अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।